बेड़ों के ऐतिहासिक महादानी मैदान रंगमंच में शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक सहिंद्र लकड़ा की अध्यक्षता में की गई, जहां झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी ने निर्णय लिया कि 10 सितंबर को संध्या 5 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 11 सितंबर को सुबह 6 बजे से संध्या 6 बजे तक संपूर्ण झारखंड बंद रखने का निर्णय लिया गया। बंद के दौरान किसान दूध मेडिकल पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी, इन्हें बंद से मुक्त रखा गया। मोर्चा के अध्यक्ष जुगेश राव ने कहा कि जब तक झारखंड राज्य के निर्माता झारखंड आंदोलनकारी की मांग को सरकार अपने संज्ञान में नहीं लेती है, तब तक अपना हक और अधिकार के लिए पूरे झारखंड राज्य में 11 सितंबर को बंद रहेगा। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि इस बंदी से सरकार की आंखें नहीं खुली तो अनिश्चितकालीन बंदी की जाएगी और आंदोलनकारी के आंदोलन की संघर्ष से बनी और सहेमंत सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। मौके पर बेड़ो क्षेत्र के समस्त झारखंड आंदोलनकारी उपस्थित थे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बेड़ो प्रखंड सचिव, आज आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिन आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड का सत्ता और शासन आपको मिला, आज वही आंदोलनकारी दर दर भटक रहे हैं अपने मांगों को लेकर, भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि आंदोलनकारियों का ख्याल अगर नहीं करते हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में ये आंदोलनकारी विकृत रूप धारण करके आपको ये टेंशन नहीं, टेंशन भी देंगे और गद्दी से उतारने का काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये झारखंड आंदोलनकारियों में वो जज्बा अभी भी है जो जज्बा अलग राज्य लेने के समय में था। तो हम ज़्यादा नहीं कहते हुए पुनः मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे कि ये आंदोलनकारियों का मान और सम्मान और पेंशन जो भी व्यवस्था है इन लोगों का यथाशीघ्र करें। अरे तो बैठाए हैं तो उतारेंगे भी। अब बैठाए हैं तो उतारेंगे भी। जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठा है, ये सारे लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी झारखंड आंदोलनकारी इस मंच पर आज उपस्थित हैं। दर्द सिर्फ इस बात का है, जिनके बदौलत आज अलग राज्य हुआ, आज वही दर दर भटक रहे हैं और आने वाला समय में हम लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है इसका रिएक्शन होने जा रहा है। और विगत 24 तारीख को मोराबादी मैदान में ये घोषणा हुआ है कि अगर सरकार 11 से पहले हम लोगों का मांग को अगर नहीं सुनता है तो 11 तारीख को हम लोग पूरे झारखंड बंद करेंगे। और उसी निमित्त आज यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं सारे झारखंड आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध हम लोग करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन अब बहुत ही खतरनाक रूप लेने जा रहा है और हम लोग को तकलीफ तब उस बात का है जिस गुरुजी के नाम पर, शिबू सोरेन के नाम पर केवल बेड़ो नहीं पूरे झारखंड में यहाँ के आदिवासी मूलवासी पूरा लड़ाई लड़े कि हमारा अलग राज्य होगा तो हमें, हमारे बाल बच्चों का उत्थान होगा, हमारा उत्थान होगा, राज्य का विकास होगा। लेकिन आज आंदोलनकारी ही हम लोग बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं और आंदोलनकारियों का जो कष्ट है उसका बयान नहीं किया जा सकता है। और सारा रोष व्याप्त करते हुए आज हम लोग इस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं। बात स्पष्ट है कि शिबू सोरेन हम लोगों के भगवान थे, भगवान हैं, जिनको लेकर हम लोगों ने अलग राज्य के लिए क्या नहीं किया। और आज उन्हीं का बेटा से मांगना था शिबू सोरेन को, देना था शिबू सोरेन को, लेकिन आज उन्हीं का बेटा से आंदोलनकारी भीख मांगने जैसा काम कर रहा है कि हमने आपको गद्दी पर बैठाया है और आंदोलनकारी का मान मर्यादा, उनका मान सम्मान, उनका पेंशन, उनका कुछ भी ख्याल तो आप करें। आप कुछ भी नहीं करने के चलते आज उनका बेटा से हम लोग मांगने जा रहे हैं, यह कम बड़ा दुर्भाग्य हम झारखंड आंदोलनकारियों के लिए नहीं है।